हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी दादी की नई डिश बताऊंगा। कम ऑन दादी, जाइए। आप क्या बना रहे हो? मैं बना रही हूँ करकीरा। ये करकीरा है ना, ये इसको पानी में भिगोते हैं। जैसे डेढ़ कटोरी वो है ना करकीरा, तो आधी कटोरी चीनी डालनी, जैसे हलवा टाइप बन जाता है। फिर ये सीधा इसको पानी में घोल के ऐसे कढ़ाई में करना घी गरम, है ना, इसको ऐसे डाल देना। दादी जी, तरकीरा कैसे बनता है? तरकीरा गेहूं को ना भिगोना पड़ता है पहले पानी में, उसको 5-7 दिन भिगो कर जब वो गेहूं अच्छी तरह से फूल जाए तो फिर उसको पीसते हैं। पीस कर फिर उसको खुले बर्तन में डाल देते हैं और पानी डाल देते हैं। फिर रोज उसका पानी निकालते रहते हैं। पहले गेहूं को अच्छी तरह से उसका छिलका निकाल लेना ना, फिर उस गेहूं को खुले बर्तन में डाल के जो उसका सफेद निकलता ना सीरा, फिर रोज उसका पानी निकालते रहना। दीदी, तरकीरे के क्या फायदे होते हैं? तरकीरा पेट दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, और कमजोरी जिसको कमजोरी महसूस करे उसके लिए बड़ा अच्छा होता है। बहुत बड़े फायदे हैं इसके। दादी जी, ये तरकीरा कैसे खाते हैं? तरकीरा ना बनता तो हलवे की तरह ही है ना, पर इसको सुबह सुबह खाना चाहिए खाली पेट, तब इसका ज्यादा फायदा होता है। फ्रेंड्स, फाइनली तरकीरा तैयार हो गया है, बहुत टेस्टी है। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।